क्या आप ये पार्लियामेंट और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई तसादम होने के लिए जा रहा है? इस कोई आईनी बहरान पैदा होगा? हो तो चुका है क्या? कैसे देख रहे हैं आप सब चीजों को? नहीं, आईनी बुरहान पैदा तो हो चुका है। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अभी कहा जी कि कौमी असम्बली का पूरा जो रिकॉर्ड जो है हमें मुहैया किया जाए, हुक्म दिया, जबकि ऐसा आईनी तौर पे हमको अख्तियार ही नहीं है कि कौमी असम्बली का रिकॉर्ड वो तलब कर सके। उसके बदले में आप देखें ना, आप कौमी असम्बली, शुक्र है कि पहली बार कौमी असम्बली ने अपनी टांगों पर बोझ डाला और कमर को मजबूत किया है। वो कहते हैं जी हम नहीं देंगे अपना रिकॉर्ड, और बल्कि तो वहां तकरीर जो हुई उनमें से तो ये कहा गया कि जो अभी जो जजों ने वहां पे जो मीटिंग की थी उसका रिकॉर्ड भी तलब किया जाए कौमी असम्बली में। तो आप ये देखिए, तजादम की तरफ तो जा चुके हैं ये, और ये जो है मुल्क को जो है फेडरेशन को भी, डॉक्टर साहब कह रहे थे फेडरेशन खतरे में पड़ सकती है, डॉक्टर साहब फेडरेशन को इन लोगों ने खतरे में डाल दिया हुआ है। बिल्कुल सही है। ये मेरी बाहर रिपीट हो रही है सर अच्छा, नहीं सही हो गया अब तो। सही हो जी। गया तो आप ये देखें कि आप ये तो। देखें कि आप सादम की तरफ जा चुके हैं, फेडरेशन को खतरे में पड़ चुकी है। आप ये अगर यही हल रहा तो आप ये 2-4 महीने में देखिएगा कि बलूचिस्तान से अलग आवाजें उठेंगी। डॉक्टर साहब हम लोग यहाँ मौजूद हैं यूएनओ में, आपको पता है कि कितना बलोच तंजीमों का कितना दबाव है, आपको पता है? जी जी बिल्कुल है। जी ठीक है। और केपी में से वो उठेंगे तो आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान पे जो है दबाव जो है बहुत मजीद और शदीद आएगा, और इन जजों का नलायकियों की वजह से, ये जजों का मफादात अपने, इनके मफादात पैसे का मफाद है आवर साहब, इनका कोई नहीं है। और जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि साकिब निसार को उसने, पागल खान ने उसको एक चक्कर दिया हुआ कि हम 2/3 मेजोरिटी से आगे तुम्हें अगले सदर तुम होंगे, और बंदियाल को भी इसी किस्म की, उसकी सास को और उसको ये इसने जो है सुनहरे ख्वाब दिखाए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बंदियाल के अब आस्ता आस्ता हाथ पैर थोड़े बन चुके हैं, ये बस अपनी वो कहते हैं ना जो शर्मिंदगी है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन ये कि आप ये वो उस तरीके से नहीं कर सकते, और ये अगर हमारी कौमी असम्बली आज से 10-20 साल पहले भी इसी तरह रजिस्ट करती तो आज सुप्रीम कोर्ट की ये हालत ना होती और इस मुल्क की हालत ना होती। हम फौज को आज तक इल्जाम देते रहे, उनके जनरलों को देते रहे कि वो करते रहे, मैं तो ये कहता हूँ 60-70% जो है इस अदलिया का किरदार था। ये अदलिया ने जो है इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये अदलिया के जो चीफ जस्टिस वगैरह जो है, आप देखें कि इनको शर्म भी नहीं आती, ये जिन ओहदों पे बैठे हैं और सामने ही जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं, एक एक तरफा तौर पे एक पार्टी को, एक शख्सियत को, एक पागल शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और कौम का जो अनपढ़ तबका है वो भी समझ रहा है, देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती, इन 4-5 आदमियों को। तो ये जो है अब हल ये कौमी असेंबली उठे। मेरा तो डॉक्टर साहब पहले भी ये स्टांस था कि आप इनकलाब इनकलाब करते, मैं कहता हूँ अवाम को इकट्ठा किया जाए, उनको जो है ये नहीं कि आप कौमी असम्बली पे हमला करें, आप जो है कौमी सॉरी सुप्रीम कोर्ट का घेराव करें, उनको एहसास दिलाएं कि आप लोग जो है मुल्क की तकदीर से खेल रहे हो, आइन और कानून को जो आप जो है ना हवा में उड़ा रहे हो, मतलब कि शर्म की बात है। आम देखने वाला लोग देखता है कि आइन के साथ ये क्या क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। फारूक ने